नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है और इस मानसून सीजन में तो आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ किचन के ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे और साथ में ही दोस्तों हम आपके भोजन का भी स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में भजिया पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि आप चने दाल के पकौड़े बनाएं तो और भी स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे कि आप चने दाल का पकौड़ा बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो यदि आप उसके पेस्ट में, जो चने दाल का पेस्ट आपने तैयार किया है, उसमें यदि आप एक बड़ा चम्मच गरम करके तेल डालते हैं और उसके बाद पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस टिप को जरूर अपनाएं। तो हमारा दूसरा टिप भी इसी चने दाल के पकौड़े को ही लेकर है। जैसे कि जब भी हम चने दाल का पेस्ट तैयार करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज करना पड़ता है। तो यदि आप मान लीजिए पानी आप डाल रहे हैं और थोड़ा भी यदि पानी ज्यादा हो जाता है तो उसका जो पेस्ट तैयार होगा वो काफी ढीला रहता है, यानी कि पतला पेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अब इनसे यदि हम पकौड़े बनाते हैं तो उनका शेप अच्छा नहीं आता है और साथ में हमारा जो तेल होता है फ्राई करते समय वो भी बहुत ज्यादा लगता है, जो हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं रखता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सलूशन है कि आप अपने जो ये आपने मिश्रण तैयार किया है, जब आप इसमें सारे मसाले ऐड कर लें, उसके बाद आपको 2 से 3 बड़ा चम्मच, जैसे आपकी रिक्वायर हो उस तरह से, आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो आपका पेस्ट होगा वो काफी थिक हो जाएगा और अब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो उनका साइज तो अच्छा होगा ही, साथ में बहुत ही कम तेल लगता है। दोस्तों, इस तरह से यदि आपके साथ हो तो आप ये ट्रिक जरूर अपनाएं, बहुत ही काम की है। हमारा अगला टिप है दोस्तों बेसन की रोटी को लेके। जैसे कि पर डे गेहूं की रोटियां खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी रेनी सीजन में बेसन की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे टेस्टी बनाने के लिए कुछ चीजें हम ऐड करेंगे जिससे आपके बेसन की रोटियां बहुत अच्छी होंगी और साथ में जैसे बेसन का आटा, जब भी आप इसका डो तैयार करें तो आपने देखा होगा कि वो हाथों में बहुत ज्यादा चिपकते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए भी हम आपको एक टिप बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे पूरा बेसन नहीं लिया है, आधा बेसन है और आधा गेहूं का आटा है, ठीक है। आधी आधी मात्रा में हमने लिया है और इसमें हमने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं जैसे नमक, कुटी हुई काली मिर्च है, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, और इसमें हमने डाला है अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, जिससे इन रोटियों का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और दोस्तों, साथ में आपको मिलाना है 1 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो भी किचन में आप यूज करते हैं। अब इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है और अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद ही आपको आटे का डो तैयार करना है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा और जिस बर्तन में आप डो तैयार कर रहे हैं आपकी थाली भी बिल्कुल क्लीन होगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने डो रेडी कर लिया है। तो बहुत ज्यादा गीला डो आपको नहीं रखना है। इस तरीके से अब आप इसे 10 मिनट रेस्ट पे रखें, उसके बाद इसकी रोटियां आप तैयार करें। तो लीजिए, इस तरह से आप रोटियां बनाएं और थोड़ा सा धीरे आंच पे आपको सेकना है। जब भी आप बेसन की रोटी बनाएं तो आंच को कम रखें, धीरे धीरे आंच पे यदि कड़क रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और दोस्तों, इन रोटियों का स्वाद बढ़ाने के लिए आपको बैगन का भरता जरूर बनाना चाहिए। बैगन के भरते के साथ में बेसन की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं और इनके साथ अच्छा लगता है करेले का अचार या फिर चने का अचार। आप देख सकते हैं कि हमारी थाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनका टेस्ट आप लीजिए और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रेनी सीजन में तो ये डिश बहुत ही कमाल की होती है। दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगला टिप है दोस्तों हमारा मिर्ची को लेके। जैसे अभी बारिश में हरी मिर्चों को सेफ रखना, यानी कि स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी इस तरह से ज्यादा मिर्ची आप खरीदें तो पहले इन्हें अच्छी तरीके से धो लें और इनका पानी सुखा लें और उसके बाद इनके डंडियों को निकाल दें। इस तरह से सारी मिर्चों को इस तरह से साफ करके आप सुखा लें, बिल्कुल पानी ना रहे। अब इन्हें करना क्या है, आपको इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से मिक्सर में डाल के इनका अच्छा सा महीन पेस्ट आप तैयार कर लें और कुछ पेस्ट को हमने ये इस तरह से आइस क्यूब के रूप में इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप स्टोर करें। और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि इन्हें आप कंटेनर में स्टोर करें और इसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और थोड़ा सा नमक और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। इन सभी चीजों को डाल के अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। तो लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आप यदि हरी मिर्ची को स्टोर करते हैं तो काफी लंबे समय तक आपकी ये मिर्ची अच्छी रहती है और आप इनका अपने किचन में यूज कर सकते हैं। जो हमने इसमें नींबू का रस डाला है इसकी वजह से इन मिर्चों का जो कलर होगा बिल्कुल ग्रीन ही बना रहेगा, कलर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और आपकी जो भी डिश तैयार होगी उनमें मिर्चों का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप अपने घर में स्टोर करें। हमारा अगला टिप है दोस्तों, इस तरह से देखिए, जब कभी मान लीजिए आपका कुकर प्रेशर नहीं बनाता है और सीटी नहीं आती है तो हमारे चावल इस तरह से जल जाते हैं और काफी प्रॉब्लम होती है इन्हें साफ करने के लिए। ये देखिए, जैसे हमारा ये कुकर जल गया है, अब इन्हें साफ करना बहुत ही टिपिकल काम है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स यदि आप अपनाते हैं तो आपका कुकर बहुत जल्दी साफ हो जाएगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इससे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी बर्तन आपका जलता है तो तुरंत गर्म बर्तन में आपको कभी पानी नहीं डालना चाहिए। आप उस तरह से बर्तन को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जब बर्तन कंप्लीट ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें आपको पानी ऐड करना है, वरना आपका बर्तन बीच से क्रैक हो सकता है। ये तो दोस्तों पहला टिप है। और दूसरा है कि इन्हें हम क्लीन कैसे करें, तो इसके लिए आपको इसमें पहले पानी भरना है, सादा पानी जो आप यूज करते हैं उसे आप भर दीजिए पूरा। और इसे आपको गैस की फ्लेम पे, यानी कि इन्हें हम गर्म करेंगे इन पानियों को, और कुछ चीजें इसमें हम ऐड करेंगे। पहले तो आपको, जैसे कि आप कोई भी डिशवॉश यूज करते हैं या फिर आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है उसे भी आप डालें, और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे बेकिंग सोडा। ये आप देख सकते हैं जो खाने वाला सोडा हम लोग किचन में यूज करते हैं उसे मिलाएंगे 1 चम्मच। और दोस्तों हमें मिलाना है विनेगर, जो हमारे किचन में यूज होता है व्हाइट विनेगर, उसे भी हमें 1 बड़ा चम्मच इसमें डालना है। दोस्तों यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास पड़े हुए नींबू, पहले के पुराने हैं, सड़ गए हैं, नींबू के छिलके हैं, उन सभी चीजों को आप इसमें डाल सकते हैं। और आप इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करें। तो अब इन सभी चीजों को डालकर आपको बिल्कुल उबाल आने तक इन्हें गर्म करना है। इस तरीके से देखिए, ये उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ढककर छोड़ देंगे ऐसे ही। तो 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को हटा देना है, यानी पलट के आप साइड में कर दें। और अब इन्हें आपको थोड़ा सा डिशवॉश लेकर, अच्छी तरीके से लोहे का स्क्रबर जो आता है उसे लेकर आपको क्लीन करना है। और साइड साइड में जो है आप ये जो ग्रीन वाले स्क्रबर आते हैं उनसे साफ कर लीजिए, तो काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, हमने इसे क्लीन किया है, और लेकिन ये कम्प्लीटली साफ नहीं होता है। इससे आपको इसके लिए आगे एक स्टेप और फॉलो करना है। ये देखिए, इस तरह से इसे आप धोके हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफी हद तक साफ हो गया है। अब हमें दूसरा जो मेथड यूज करना है, इसके लिए जो काफी दाग लगे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी हद तक क्लीन हो गया है, लेकिन कम्प्लीट ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दूसरा सोल्यूशन। तो दूसरे में हमने यहाँ पे लिया पीताम्बरी, जो हम लोग भगवान का बर्तन साफ करते हैं उसे आपको लेना है। और लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आपका कुकर हो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, आप एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ लें। और अब इसे थोड़ा सा, आपको 1 बड़ा चम्मच इसमें ये पीताम्बरी डाल देना है, और हल्के हल्के स्क्रबर से इस तरह से आपको रगड़ते जाना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो कुकर है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो चावल के एक एक दाग, काफी जल गया था मेरा कुकर, आपने देखा ही था, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपका काम आसान हो सकता है। इस तरीके से बाई चांस आपका कुकर जल जाता है तो इन छोटे छोटे ट्रिक को अपनाकर आप साफ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। हमारा अगला टिप है दोस्तों दूध को लेकर, बहुत ही छोटा सुनने में लगता है लेकिन बहुत ही काम का है। जब भी आप अपने घर में दूध गर्म करें या फिर आप खोए बना रहे हैं तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। इस तरीके से डायरेक्टली आपको बर्तन में नहीं गर्म करना होता है, आपको कभी भी दूध गर्म करना है उसके पहले अपने बर्तन में पहले इस तरह से पानी डाल दें, यानी कि बर्तन को गीला कर लें। मान लीजिए दोस्तों आप रबड़ी बना रहे हैं या खोया बना रहे हैं तो 3-4 चम्मच आपको पानी इसमें छोड़ देना है। इस तरीके से अब इसमें आप दूध डालकर गर्म करेंगे तो आपका बर्तन बिल्कुल साफ रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा तले में आपके चिपकेगा नहीं,
और बाद में आपको उसे साफ करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और दूध वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से स्टिक को अपना के आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक एंड टिप्स जो कि रोजमर्रा आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपके काम को आसान बना सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।